Hello, my dear students. Today I am going to explain you chapter 6 of your textbook named Combustion and Flame. Means दहन और flame means होता है ज्वाला, है ना, flame. Okay. तो students आपने देखा होगा कि आपके घरों में बहुत सारे fuels हम use करते हैं, जैसे industry में या फिर और ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल यूज़ होता है. तो कुछ फ्यूल्स होते हैं जिनके नाम आप जानते हो, लाइक काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी. ये बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं. यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. अब आपने जलती हुई मोमबत्ती को देखा होगा स्टूडेंट्स. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल. तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में. जब कोल जल रहा है और मोमबत्ती जल रही है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है. आपने देखा होगा कि जब मोमबत्ती जलती है तो वो एक फ्लेम के साथ जलती है, ओके. बट कोल के साथ ऐसा नहीं होता. वो जलता है तो वो जब बर्न होता है तो कोई फ्लेम नहीं बनती है. यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. और भी बहुत सारे मटेरियल है जो विदाउट फ्लेम बर्न होते हैं. तो अभी हम देखेंगे कि जो केमिकल प्रोसेस होती है बर्निंग के लिए, और जो कि जिसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस. इस प्रोसेस में बहुत सारी फ्लेम बनती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कम्ब्यूशन. व्हाट इज कम्ब्यूशन. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग और मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7th. स्टूडेंट अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करना किया जाता है, वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस्ड हीट एंड लाइट. जब उस रिबन को बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और हीट और लाइट उसमें बनता है. वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल. हम यही एक्टिविटी चारकोल के साथ करते हैं, उसे भी बर्न करते हैं. होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टंग्स एंड ब्रिंग द नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बंसन बर्नर. क्या करना है स्टूडेंट्स हमें, कि जो चारकोल है उसे टंग्स में के बीच में लेकर और हमें उसे जलती हुई कैंडल के पास लेकर जाना है. फिर हम देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम. वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर. वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम क्या देखते हैं कि जो चारकोल होता है वो क्या होता है, एयर में बर्न होने लगता है, और कोल भी एयर में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. सो अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कम्बिशन. किसे बोला जाता है कम्बिशन. एक ऐसी केमिकल प्रोसेस स्टूडेंट्स जिसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन के साथ ऊष्मा प्राप्त करने के लिए जल जाता है ना, ऊष्मा उससे बनती है. तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कम्ब्यूशन, दहन. द सब्सटेंस दिस अंडरगोस कम्ब्यूशन इज सेड टू बी कम्ब्यूस्टिबल. और जो सब्सटेंस उसमें कम्ब्यूज होता है, मतलब जो जलता है उसे वो सब्सटेंस कम्ब्यूस्टिबल मतलब दहनशील कहा जाता है उसे. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल. और इसे हम फ्यूल भी बोल सकते हैं. जितने भी फ्यूल्स होते हैं आप देखें, वो सब क्या होते हैं, कम्ब्यूस्टिबल होते हैं. द फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो जो फ्यूल होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में हो सकता है. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कम्ब्यूशन. कभी कभी तो क्या होता है, जो लाइट होती है वो भी क्या होती है, गिवन ऑफ ड्यूरिंग कम्ब्यूशन. वो भी कम्ब्यूशन की प्रोसेस से जलने लगती है, आइदर इज़ अ फ्लेम और इज़ अ ग्लो. या तो फ्लेम चलती है उसके अंदर या फिर वो ग्लो होने लगता है, मतलब चमकने लगता है. इन द रिएक्शन मेंशनड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्ब्यूस्टिबल सब्सटेंस. तो ये रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि मैग्नीशियम और जो चारकोल है वो कम्ब्यूस्टिबल सब्सटेंस है. वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर अवर बॉडी. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फूड होता है वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, फ्यूल है, एक तरह का फ्यूल है. ओके स्टूडेंट्स. राइटली सो इन अवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाई रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. कैसे फ्यूल है, क्योंकि क्या होता है, जो फूड होता है ब्रोक होता है हमारी बॉडी में
ठीक है ना, किसकी रिएक्शन से? विथ ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर फूड ब्रोक हो जाता है और हीट प्रोड्यूस होती है। ये हम प्रीवियस क्लास में आप इसे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई स्टूडेंट 6.1, कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, कुछ मटेरियल्स हैं उन्हें आपको जैसे बताया एक्टिविटी 6.1 में, उसे हमें कलेक्ट करना है अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। ये टीचर के देख रेख में ही करना है आपको, और फिर उनको नंबर वाइज वन बाय वन हमें उन्हें बर्न करते चलना है। तो हमें देखना है उसमें से कौन सा कम्बस्टिबल है, मतलब कौन सा दहनशील है जो मटेरियल है, अदरवाइज मार्केट नॉन कम्बस्टिबल, जो जल पा रहा है उसे हम कम्बस्टिबल बोलेंगे, जो नहीं जल पा रहा है तो उसे हम ऐसे मार कर देंगे। लाइक यहाँ पर दिया वुड, पेपर, आयरन, नेल्स, है ना। तो वुड जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है हमारा, वुड जो होता है वो कम्बस्टिबल में आ जाएगा, पेपर भी कम्बस्टिबल में आएगा, आयरन नेल नहीं जलती है, केरोसिन ऑयल कम्बस्टिबल आ जाता है, स्टोन पीस नॉन कम्बस्टिबल, स्ट्रा कम्बस्टिबल, चारकोल, चारकोल भी कम्बस्टिबल, मैजेस्टिक कम्बस्टिबल इन ग्लास क्या होता है, कम्बस्टिबल नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो कम्बस्टिबल होते हैं, बहुत सारे कम्बस्टिबल नहीं होते हैं। तो ऐसे हमने एक लिस्ट बना ली। अब कुछ ऐसे और सब्सटेंस हमको लेना है जो कम्बस्टिबल है और उन्हें टेबल 6.1 में आप रख सकते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेटेड कंडीशंस अंडर विच कम्बशन टेक प्लेस। अब हम वो कंडीशन देखेंगे कि कम्बशन क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ स्टूडेंट्स, देखिए मोमबत्ती है, मोमबत्ती बर्न हो रही है, ओके, उसको ऊपर से कवर नहीं किया हुआ है, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, वो आराम से जल रही है। अगर हम फर्स्ट वाले ए वाले फिगर में देखें तो फ्लैम दिख रही है हमको, ओके। बी वाले में क्या किया हमने, बी वाले में उसको ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू फ्लेम, नाउ रिमूव ब्लॉक्स एंड रेड द चिमनी रेस्ट ऑफ द टेबल, अगेन ऑब्जर्व अ फ्लेम, फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, वॉच द फ्लेम अगेन, व्हाट हैपेंस इन द थ्री केसेस, डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, डज इट बर्न अनअफेक्टेड, कैन यू इन्फर एनीथिंग टू रोल प्लेट बाय एयर इन प्रोसेस बाय बर्निंग, वी फाइंड दैट फॉर कम्बशन एयर इज नेसेसरी, द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए, व्हेन एयर कैन इंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो इन केस बी, व्हेन एयर डज नॉट इंटर द चिमनी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ, एंड स्मोक इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज ऑफ एयर इज नॉट अवेलेबल। देखिए फर्स्ट वाला जो फिगर है उसमें क्या हो गया, जो फ्लेम है वो बिल्कुल फ्रीली बन रही है, क्यों बन रही है, क्योंकि इसे एयर मिल रही है यहाँ नीचे से, और नीचे से एयर अच्छे से मिल रही है आराम से। फिर सेकेंड वाले जार में हम देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, स्मोक के साथ स्मोक निकल रहा है बट फ्लेम नहीं चल रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एयर नीचे से मिलना बंद हो गई है। और थर्ड वाले केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ एयर बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही, मतलब वो स्मोक भी नहीं दे रहा है ना, क्यों, क्योंकि एयर दोनों ओर से बंद है, बिल्कुल भी एयर उसे नहीं मिल पा रही है। वी हैव रीड दैट सन प्रोड्यूस्ड इट्स ओन हीट एंड लाइट, इट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ कम्बशन। तो हमने पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स कि जो क्या होता है, सूर्य जो होता है, सन जो होता है, वो खुद की लाइट और हीट होती है उसकी खुद की प्रोड्यूस करता है, और इट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ कम्बशन, जो इसलिए ये कम्बशन का एक काइंड है, प्रकार बोल सकते हैं। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रोसेस के थ्रू सन में हीट और लाइट प्रोड्यूस्ड होते हैं। यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ हायर क्लासेस, इस प्रोसेस को हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ कम्बशन, कम्बशन क्या है और कौन कौन से सब्सटेंस कम्बस्टिबल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट अच्छे से समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स।